कृष्ण बताते हैं, बहुत बड़ी संपदा छोड़ करके ये ऋषि वन में तपस्या करने के लिए गए, दुनिया का मान छोड़ा, धन वैभव छोड़ा, ईश्वर में समर्पित हो गए, पत्तों की कुटिया बनाकर बैठे हैं। और जैसे जैसे आपने लालच देना शुरू किया तो इनकी आंख में आंसू आने शुरू हुए, इनको लगा कि जीवन में कुछ कमी रह गई है, सब लोग मुझे यही समझ रहे हैं मैं पैसे का भूखा हूं, मान का भूखा हूं, इसलिए ललचाने आ गए हैं। भगवान लगता है मैं तो सोचता हूं मैं पवित्र हो गया हूं पर मुझ में कोई कमी रह गई है, तो उनके आंख में आंसू थे। अच्छा, वो ऐसा समझते थे, लेकिन बड़े भैया क्या रोए, बोले वो ये सोच रहे थे कि इतने बड़े ऋषि मुनि मेरे घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते, मेरे राज्य पर कृपा नहीं करना चाहते, लगता है मेरे धन में कोई दोष है, पवित्र नहीं है, इसलिए वो नहीं आना चाहते। मेरा धन, मेरी कमाई, मेरा राज कार्य करने का ढंग, उसमें कहीं दोष है। आंख में आंसू आ गए। बोले इनकी तो दोनों की समझ में आई बात, लेकिन कृष्ण आप क्यों रोए? कृष्ण बोले कलयुग आने वाला है, द्वापर जाने वाला है, आने वाले समय में ना तो ऐसे राजा होंगे ना ऐसे ऋषि होंगे, इसलिए आने वाले युग को याद करता हूं, तो आंख में आंसू आ रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान बोले अब तुम बताओ तुम क्यों रोए? बोले हम तो ऐसे ही रोए, हमारा क्या रोना। समझ सकते हैं आप कि अद्भुत युग रहा है, लेकिन कृष्ण भगवान ने वो लीला दर्शाई कि आने वाले युगों में कैसे जीना, कैसे रहना, किसके साथ कैसे व्यवहार करना। तो कृष्ण ये भी समझाते हैं कि जिन लोगों के जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाए, ध्यान वाले जो लोग होते हैं, भक्ति वाले, धर्म वाले, साधना वाले लोगों को एक चीज जरूर सीखनी चाहिए, वो ये, यदा संघर्ते चायम कोर्मो अंगा नीव सर्वश। कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो अपनी इंद्रियों को, जो पुरुष समस्त विषयों से समेट कर अपने आनंद में, अपने परमात्मा में केंद्रित कर लेता है, समझ लेना चाहिए कि उसको माना जाएगा उसकी बुद्धि स्थिर है। योग दर्शन के ऋषि पतंजलि ने जो दुनिया को दिया वो बहुत अद्भुत दिया। उन्होंने समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक चीज सफलता के लिए सीखनी चाहिए, केंद्रित होना। हमारी जो ऊर्जा है वो बटी रहती है, सब जगह हमारा ध्यान लगा रहता है, एक जगह अगर अपने आप को केंद्रित करना सीख जाए तो हमें सफलता मिले। बिल्कुल इसी तरह सोच लीजिए, मैग्नीफाई ग्लास से, एक शीशे से समझ लीजिए, आप जिस तरह से सूरज की तरफ उसे करके नीचे कागज में आग जला देते हैं तो कागज अपनी जगह स्थिर रहना चाहिए और शीशा भी अपनी जगह हिलना नहीं चाहिए, फोकस ठीक हो उसका। तो सूरज की किरणें उसके अंदर से होकर जब जमीन पर आती हैं, उस कागज पर आती हैं, तो पहले तो उसमें काला काला धब्बा पड़ना शुरू होता है, फिर छेद हो जाता है और थोड़ी देर के अंदर उसके अंदर से अग्नि प्रकट हो जाती है। अगर कोई आदमी अपने मन को इसी तरह से फोकस करना सीख जाए तो जिंदगी में जो पाना चाहता है वो चीजें प्राप्त कर सकता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इसमें बच्चों को भी एक ही चीज सिखाओ कि अपने मन को केंद्रित करना सीखो, जिस चीज को करने बैठे उसमें पूरा मन उसी में तल्लीन कर दें। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि भोजन करने बैठे तो पूरा ध्यान भोजन में, खेलने गए तो पूरा ध्यान खेल में, कमाने के लिए गए तो आपका पूरा ध्यान अपने बिजनेस में, और जब घर की तरफ लौट रहे हैं तो आप बिजनेस को भूल जाइए, फिर अपने घर में पूरा मन लगाइए, फिर आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ केंद्रित हो जाइए।
जब आपको केंद्रित रहना आ जाता है तो आप जिस भी चीज में होते हैं उसमें पूरा आनंद लेते हैं। थोड़ा इस तरह से भी आप देखिए कि कभी बच्चे जो अपनी मनपसंद मिठाई खा रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम, कोई चॉकलेट, जब वो खा रहे होते हैं उनको खाते हुए देखना, आंखें भी बंद हो जाएंगी, ऐसे चटकारे लेके खाएंगे, मुंह में लगा हुआ अपने ठोड़ी तक में भी आ गया, और ऐसा मजा लेकर खाते हैं कि वो पूरी दुनिया भूल जाते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं। इसलिए लोग ये कहते हैं जो बचपन में स्वाद आया करता था वो बड़े होके नहीं आया। कई बुजुर्ग तो ये कह रहे होते हैं कि अपने जमाने में हम लोगों ने जो स्वादिष्ट चीजें देखी आजकल तो मिठाई में भी स्वाद नहीं है, वैसी चीजें थोड़ी मिलती हैं। असलियत यह है कि हमारी जो जीभ है इसमें 2000 स्वाद कलिका होती है। ये गर्म ठंडा खाते खाते, मिर्च मसाला खाते खाते उम्र के साथ में वो कम होते होते 600 रह जाती हैं। उसके बाद जब आप कोई चीज खाते हैं तो उतना स्वाद नहीं आता, और आप कहते हैं पुराने जमाने में बहुत स्वाद चीजें होती थी। बूढ़े आदमी के साथ ये बड़ी समस्या है, और अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल मिला करके जिएंगे तो आपकी जीभ भी ठीक रहेगी और आपका स्वाद भी आखिर तक बना रहेगा। जीभ के मेडिकल साइंस में तो पूरा हिसाब लगाया जाता है कि कड़वाहट जीभ के आखिरी में है, ये मिर्च मसाले इस साइड में महसूस होंगे, नमक यहाँ महसूस होगा, मीठा यहाँ महसूस होगा, सब अलग अलग हिसाब है आपका। पर मेरा ये विषय नहीं है कि मैं आपको मेडिकल साइंस की बात समझाऊं, मैं आपको आगे ले जा रहा हूं कि जैसे बच्चे अपना मन केंद्रित करते हैं तो केंद्रित करते ही उन्हें स्वाद पूरा मिलने लग जाता है। ऐसे अगर जिंदगी का स्वाद लेना है और सफलता का स्वाद लेना है तो मन को केंद्रित करना सीख जाइए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सफल होने का रास्ता है। तो इस संबंध में हम इसको पतंजलि प्रत्याहार कहते हैं, मतलब हमारी इंद्रियों का जो रुख है, मन का भी ध्यान बाहर की तरफ रहता है। जब आप अंतर्मुखी हो जाएं, इंट्रोवर्ट हो जाएं, क्योंकि हम एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, जब हम आंतरिक रूप से केंद्रित रहने लग जाएं, अंदर झांकने लग जाएं, अपने आप में संतुष्ट होने लग जाएं, अपना मन अंदर टिकाना सीख जाएं, तो फिर जिंदगी में ज्यादा स्वाद और ज्यादा आनंद आएगा। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी काम करो पूरा मन उसमें लगाओ। और मजे की बात देखिए कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो भगवान को तिलक लगाते हैं, तिलक में ज्यादातर रोली होती है, मतलब रोली प्रेम और चावल, चावल को बोलते हैं अक्षत। तो रोली बनती है दो चीजों से, जो पुरानी परंपरा थी, हल्दी चूना दोनों को मिलाते थे। तो रहीम ने लिखा इस पर, जो हरदी जर्दी तजे, तजे सफेदी चून, प्रीति वही सराहिए, मिले होत रंग दून। वही प्रेम सराहो जो मिले तो दुगना रंग आ जाए, और मिले तो ऐसे अपनी अपनी मैं और अपनी अपनी पहचान छोड़ दें कि जैसे हल्दी और चूना मिले तो हल्दी ने पीलापन छोड़ दिया और चूने ने अपनी सफेदी छोड़ दी और दोनों का एक नया रंग पैदा हो गया। वही रंग जो रगों में बहता है, लहू का रंग, जिंदगी देने वाला रंग जो आपके अंदर बह रहा है, ये प्रेम का रंग है। तो उस रोली को, उस रंग को भगवान को अर्पित करते हैं कि ये मेरा प्रेम है, ये मेरी श्रद्धा है। और अक्षत, अक्षत मतलब वो चावल जो बिना टूटे हैं, क्षत नहीं है, बिना टूटे, वो प्रतीक है अखंड मन का। मैं अपना प्रेम और अपने मन की अखंडता तुम्हें सौंपता हूं, मतलब
आप कह रहे होते हैं कि मैं पूरे मन से आपकी भक्ति में संलग्न हूं, आधा अधूरा नहीं आया हूं, पूरा होकर आया हूं, इसलिए चावल पूरे लगाता हुआ कह रहा हूं मेरा मन पूरा आपका है। क्योंकि कृष्ण यही मांगते हैं, मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। ना धन मांगते हैं, ना तन से कुछ उपयोग करा लेना चाहते। कृष्ण यही कहते हैं, मुझे तन नहीं, धन नहीं, मन दे दो। और हम भगवान को सारी चीजें सौंपने को तैयार है, मन देने को तैयार नहीं है। जब आप अपना मन उसे देते हैं तो मनमोहन आपके हो जाते हैं, क्योंकि वो तो मन को ही मोहने वाले हैं। और जब मनमोहन आपके हो गए, फिर कुछ और मांगना बाकी है ही नहीं। तो जब आपको केंद्रित रहना और किसी भी काम को करें तो खंडित मन से नहीं, अखंड मन से काम करिए। टूटा हुआ मन नहीं, बटा हुआ मन नहीं, द्वैत मन नहीं, जिसमें दो दो चीजें चल रही, वो मन नहीं। यहां भी बैठे और ध्यान घर का भी आ रहा है, यहां बैठे बैठे दुकान भी साथ साथ देख रहे हैं, और कुछ लोग तो यहां बैठे बैठे साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद में व्हाट्सएप भी चेक कर रहे होते हैं, कोई मैसेज तो नहीं आ गया। बड़ी मजीद अजीब समस्या है आज के युग में। आदमी हंसता भी अकेला ही है, पहले तो रोता अकेला था, हंसते साथ थे, अब तो रोने में भी अकेला है आदमी, हंसने में भी अकेला, अकेला अकेला बैठ के हंस रहा। और बराबर में चलता हुआ आदमी भी बोलता, मुझे भी सेंड करना भाई साहब, मतलब मैं भी अकेला ही हंसूंगा जाकर के। ये नहीं कहेगा मुझे भी सुना, दोनों मिल के हंसते हैं। सब अकेले हो गए, फेसबुक में जरूर बैठ गए लेकिन फेस टू फेस नहीं बैठ पाए। ये इस युग की समस्या है। माँ बाप भी बच्चों के साथ फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं। फेसबुक में लाइक करने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो लाइक वाला बटन, अंगूठा ऊपर अंगूठा नीचे, पहले तो अंगूठा ऐसे ही हिलता था। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विषय से इधर उधर ना जाएं। तो आपको मैं कह रहा था कि केंद्रित रखना मन आ जाए तो जीवन सफल है। भटका हुआ मन दुनिया में अटका देगा, रुलाएगा आपको। भटकने से बचना है तो केंद्रित रहना सीखिए। कोई भी काम करें पूरे मन से करें। गोरखनाथ के ध्यान में एक शब्द उन्होंने जो कहा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसो खेलो ध्यान धरो। दुनिया में बसो, रंग दुनिया के मालिक का बनाए रखो, दुनिया में व्यवहार निभाओ, लेकिन अंतर तुम्हारा अंतकरण परमात्मा में विचरण करता रहे, परमात्मा के अंदर तुम्हारा ध्यान बना रहे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप अगर बाहर भी चल रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, तो जैसे आप बगीचे में टहलने लगे तो वो जो सरसराती हुई हवा आपके बदन को छूती है तो आप ये अनुभव करते हैं कि मेरे प्यारे का ये कितना सुखद स्पर्श है, आशीर्वाद देता हुआ उसके पवन का झोंका आया है। नमन करने के लिए आदमी का सिर झुकता है, पंछियों के मधुर बोल कलरव सुनता है आदमी कि ये आवाज़ अलग अलग पंछियों की जो आती है, सुर देने वाला मेरा परमात्मा ही है। और ये कोमलता और ये सौंदर्य जो फूलों में दिखाई देता है, रचनाकार मेरा परमात्मा है। चलते फिरते का ध्यान होता है। पिछले दिनों हम लोग जब पिछले वर्ष साधना के लिए आमंत्रित किया, हमारे सभी लोग हिमालय के लिए आते हैं ना हिमाचल में, तो व्यास नदी के तट पर 14 स्नो पीक के बीच बैठकर साधना करते हैं। तो वहां एक साधना उन लोगों के लिए थी, चांद्रायण व्रत वाले लोगों की, जो एक महीने के लिए चांद्रायण व्रत के लिए आए थे। तो उसमें एक विधि चल रही थी, चलते फिरते का ध्यान, कि कहीं भी बैठ गए तो तुम्हारे अंदर वो आनंद उपज जाए, तुम्हारा चलना फिरना भी बादशाहों जैसा हो जाए, निश्चिंत बेफिक्र आनंद में डूबा हुआ खिला हुआ व्यक्ति। और कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना,
तो आपका चलते फिरते भी ध्यान होता है, आपका बैठना भी। जो सोवे सो सुन में जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निःकाम, सहजों ने जिसको बोला। चरणदास बहुत बड़े संत हुए, दिल्ली में रहते थे 300 साल पहले, और उनकी दो शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई। अलग कुटिया लेकर के साधना करने गई, और जब परमात्मा हृदय में उतरा तो गीत उतरने लग गए। उन्होंने जो दोहे लिखे बहुत अद्भुत है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। अपने मन को बुद्धि को मुझ में रमा दो। अगर हमने बस इतनी सी भी बात याद कर ली कि हर समय मन परमात्मा में रमा दिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 23 अप्रैल 2023, समय प्रातः 10 से 1 बजे, सत्संग स्थल शहीद मदनलाल ढींगरा सामुदायिक केंद्र पुरानी ITI रोहतक, आयोजक विश्व जागृति मिशन रोहतक मंडल, संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान, कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य प्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न योगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून। Thank you.